लोगों में थोड़ा सा रोष है कि भाई डीएम के ऊपर कार्रवाई हुई नहीं है, उनके बारे में मैं सीएम से बात करूंगा। सीआईडी इंक्वायरी के बाद फिर दूसरी मांग हो सकती थी कि सीबीआई की इंक्वायरी करो, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने पहले ही सीबीआई इंक्वायरी अनाउंस की है। हाथरस में लगातार सियासतदानों का मिलने का और आने जाने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले साहब हैं, आइए उनसे पूछते हैं। अठावले साहब, जो घटना हुई और उसके बाद तमाम वाल्मीकि समाज में काफी नाराजगी है, हताशा है, आप आए, क्या बात हुई आपकी पीड़ित परिवार से? हाँ, मेरी पीड़ित परिवार से बातचीत हुई और उनके पिताजी ने, माताजी ने, उनके भाई ने बोला है कि हमारी लड़की तो चली गई है लेकिन हमें अभी न्याय मिलना चाहिए, और वो न्याय ये हो सकता है कि जो चार आरोपी है, गुनहगार है, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह की भावना उन्होंने व्यक्त की है। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से एज ए मंत्री के नाते मैं आपके साथ हूँ, जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हम आपको मदद करेंगे। और आज हमारे पार्टी की तरफ से 5 लाख रुपए देने का उनको हमने बताया है, कल या परसों उनके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाएगा। और अभी जो लोगों में थोड़ा सा रोष है कि भाई डीएम के ऊपर कार्रवाई हुई नहीं है, तो उनके बारे में मैं सीएम से बात करूंगा। और अभी तक तो मतलब सीबीआई इंक्वायरी, वो पुलिस को सस्पेंड करना है या 25 लाख रुपए देना, एक नौकरी देना है, मकान देना है, ये अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री जी ने की है। मरहम की जरूरत है, लगातार ये मांग उठ रही है कि डीएम जो है वो सबसे ज्यादा पहले अधिकारी थे और उनके उनके कहने पर सब चीज हो रही थी, तो डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं, और लगातार सीबीआई पर भरोसा नहीं है परिवार को, कहा जा रहा है कि कोर्ट मॉनिटर्ड होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोर्ट की निगरानी में होगा। मुझे लगता है भाई कोर्ट की निगरानी में हो या क्या, बाद में केस तो कोर्ट में चलने वाली है, लेकिन जो अंतिम इंक्वायरी सीबीआई की होती है, एसआईटी की इंक्वायरी थी, अगर एसआईटी की इंक्वायरी के बाद फिर दूसरी मांग हो सकती थी कि सीबीआई की इंक्वायरी करो, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने पहले ही सीबीआई इंक्वायरी अनाउंस की है। और सीबीआई इंक्वायरी के माध्यम से जो सही आरोपी है, आरोपी तो पकड़े गए हैं लेकिन जो क्या मामला है इसकी पूरी जानकारी सामने आ सकती है, और भी मतलब इसको बड़ी सजा देने के लिए सीबीआई की इंक्वायरी का उपयोग हो सकता है। लेकिन डीएम के बारे में जो लोगों की भावना है वो मैं सीएम के कान में डालू मन उनको मैं बबूलूंगा, और बाकी के लोगों को तो आपने सस्पेंड कर दिया है लेकिन डीएम को अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई होने के बारे में सीएम से बात करूंगा। और सबका साथ सबका विकास की बात मोदी जी करते आए, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो दलित समाज है, भारी मात्रा में उन्होंने मोदी सरकार के लिए और योगी सरकार के लिए वोट किया, वाल्मीकि समाज खासतौर पर, आज जो है कहीं ना कहीं वो नारा विफल हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि नारा विफल का विषय नहीं, मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास रहा ही है। और मोदी जी ने जब एक घटना घटी उसी दिन उन्होंने मतलब योगी आदित्यनाथ जी को फोन पर, टेलीफोन पर बताया है कि इसमें कड़ी एक्शन लेने की आवश्यकता है, घटना बहुत बड़ी गंभीर है, और इसीलिए योगी जी ने फटाफट जो एक्शन ले ली है। तो सरकार तो मतलब वाल्मीकि समाज के साथ है, दलित समाज के साथ है, उन्होंने वोट देकर ही मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है, तो इसलिए मतलब हम सब लोग दलित समाज के विकास के बारे में सोचते हैं, काम करते हैं, और ये घटना के बारे में मोदी मतलब सरकार ने, राज्य सरकार ने फटाफट एक्शन ले ली है, और भी जो थोड़ी कुछ काम बाकी है वो भी करने के लिए मैं योगी जी बात करूंगा। तो यहाँ पे रामदास अठावले कहते हुए कि डीएम को लेकर वो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जरूर बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डीएम पर जो कार्रवाई नहीं हुई उसको लेकर भी गलत संदेश जा रहा है। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ मौसमी सिंह, हाथरस।